वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जी अभी है शाम का टाइम और अभी पतिदेव ऑफिस से नहीं आए हैं और शाम होते होते बाबू जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो अभी मैं अपना बाल बाल थोड़ा सा ठीक कर रही थी, शाम का टाइम था। रंजना काम करके गई थी, अभी मुझे घर में दिया बत्ती करना है और ईशान को भी सो के उठा था। उसके बाद उसकी मैम आ गई थी पढ़ाने के लिए, मैम उसकी पढ़ा के गई तो अभी तक उसको दूध मैं नहीं दी हूँ, तो अभी उसको दूध भी बना के दूँगी। लेकिन उससे पहले दिया जला लेते हैं और उससे भी पहले मैं कुछ शॉपिंग की हूँ वो आप लोग देख लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा ना एक थोड़ा सा हैबिट है कि सुबह में हो चाहे शाम हो ना थोड़ा बाल बाल ठीक करके अच्छे से टचअप करने का ना ये मेरा ना आदत सा है। कैसे आप सभी हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी मैंने कुछ शॉपिंग किया था तो सोचे आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे कुछ कपड़ों को लेके काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप ये कपड़े कहाँ से लिए, इसका लिंक दीजिए वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो मैं इन दिनों बिजी थी तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर नहीं कर पा रही थी, पर मैंने अभी सोचा कि चलो अभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े को मैं कर रही थी फोल्ड। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो आप लोग क्वेरीज है वो मैं बता देती हूँ। तो अमेजोन पे चल रहा है अभी मेगा फैशन डे सेल, 70% ऑफ है टॉप ब्रांड्स पे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एंड काफी सारा परचेस कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं बोलूंगी कि मैं सारा शॉपिंग जो है अमेजोन से ही करती हूँ, मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है और हर एक ब्रांड में आपको वहां पे डिस्काउंट्स रहता है, ऑफर्स रहता है एंड क्वालिटी वाइज भी हमेशा की तरह अच्छा ही मिलता है, है ना। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगी, पहले मैं शेयर करूंगी कि मैंने होली पे एक रील बनाया था, उस पे कमेंट आ रहा था कि आपने ये रेडीमेड ब्लाउज आप कहां से ले रही है, किस तरीके से ले रही है। तो देखिए ये है ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज है ये, ऑरेंज कलर का है, ये स्ट्रेचेबल है, लिकरा ब्लाउज इसको बोलते हैं। तो ये ब्लाउज काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आपको ये टेंशन नहीं होता है कि आपको ब्लाउज स्टिच करवाना है, क्योंकि आजकल स्टिच करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है एंड इतने सारे पैसे लग जाते हैं। और ये ब्लाउज है ना तो आप बहुत सारे साड़ीज में पहन सकते हो, जिस टाइप का आपका अगर ऑरेंज कलर का साड़ी है तो आज तो आजकल पर तो कॉन्ट्रास्ट में लोग ब्लाउज पहनते ही है ना। तो मैंने ये ब्लाउज आप लोगों को बता दी, इसमें आपको हर एक कलर अवेलेबल है, मतलब आपको जो कलर चाहिए वो कलर आपको मिल जाएगा, मेरे पास खुद इसका बहुत सारा कलर है। सो चलिए नेक्स्ट मैं ये नाइटी ब्लॉक्स में पहनती हूँ, जो कि काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश लगता है देखने में। घर में भी हम लोग एकदम ऐसे बने हुए रहते हैं ना कि बेकार लगता है ना, तो स्टाइलिश लगता है नाइटी देखने में, इस टाइप का कफ्तानी नाइटी इसको बोलते हैं। मैंने और भी दो लिया है, आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है नाइटी, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। हालांकि ये सटिन कपड़े का है लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और एक स्टाइलिश लुक आपको देता है ये नाइटी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं ये टी शर्ट ली थी, तो मुझे आ रहा था कि आप लोगों को भी मतलब ये इसका नेक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, मुझे भी ये नेक बहुत ज्यादा इसका पसंद आया और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे ये टी शर्ट लगा। तो आप लोग ले सकते हैं, इसको भी परचेस कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, मैंने इसको दो बार वॉश भी किया है बट इसका कलर बिल्कुल नहीं गया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कलर तो नहीं जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं है, कलर कुछ नहीं गया है। मैंने काफी बार इसको वॉश किया है, पहनती हूँ मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में, देखते हैं आप लोग। तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल टी शर्ट है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना तो इस टाइप के कपड़े हम लेते हैं, नाइटी हो गया, टी शर्ट्स हो गया, लाइट वेट का टी शर्ट्स हो गया ये। और होली में मैं एक रील बनाई थी, भोजपुरी गाने पे लाइक बनाई थी मैंने होली का रील, तो उसमें मैंने पहना था अपना ये वाला सूट जो कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, इस सूट का लिंक दीजिए लिंक दीजिए लिंक दीजिए, तो मेरे पास टाइम नहीं हो रहा लिंक दे पाऊँ। तो फाइनली आप लोग के साथ मैंने आज लिंक दे दिया है, तो आप लोग चेकआउट कीजिए, इतना सुंदर सूट है ना ये, मैं आपको क्या लॉन्ग सूट है इसके साथ आपको मिल जाता है ये दुपट्टा, बहुत ही सुंदर है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इतना प्यारा लगा ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने इसको एक बार पहना भी है तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, एक लुक ना बहुत ही अलग आता है, या फिर किसी पूजा पाठ में भी आप लोग इस टाइप की पहन सकते हो। हालांकि अभी वो चैत वाला जो अप्रैल वाला नवरात्रि है ना वो भी आने ही वाला है, 9 तारीख से आई थिंक है।
सो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कोट सेट जो मैंने अपने भैया के एंगेजमेंट के टाइम पे पहना था। और काफी टाइम से इसका रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप ये बताइए आपने कहाँ से, मतलब एंगेजमेंट के दिन भी पहना था, मतलब वो वहाँ पे होटल में रुकी थी तो मैं ये पहनी थी कोट सेट जो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल सा है। और ये इस टाइप का मैंने प्रिंट लिया है जो मेरे ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग से ले लीजिएगा, मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग से लेती। इसके साथ आपको एक बहुत ही अच्छा सा पैंट मिलता है जो कि काफी ज्यादा लूज रहता है और काफी कंफर्टेबल रहता है। तो अगेन मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मेगा फैशन डे सेल चल रहा है, अमेजोन पे लाइव सेल चल रहा था, आप लोग जाके चेकआउट कीजिए। 70% ऑफ है टॉप ब्रांड्स पे, सो आप लोग चेक कीजिए। अगर आप लोगों कोई भी क्वेरीज हो इन कपड़ों को लेके या लिंक को लेके तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो एंजॉय कीजिए, थैंक यू। तो मैं पूजा करने आ गई हूँ और आप लोग के साथ जो मैं शेयर की उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, सो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अमेज़ॉन में 70% टॉप ब्रांड्स पे है ऑफ़र आया है, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी पहले ना पूजा कर लेती हूँ। शाम होते होते क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मैं इरीटेट भी फील करने लगती हूँ। दिन भर ऐसा होता है ना कि मतलब एक तो होता है कि आपके पास इतना सारा दिन भर काम होता है, काम का कोई कमी नहीं होता है, और शाम होते होते ऐसा लगता है ना कि एनर्जी पूरा लो हो गया है। आपके आप लोग के भी साथ ही होता होगा ही, क्योंकि दो दो बच्चे जिस अकेले संभालता है ना जो भी इंसान, उसका ना हालत एकदम बेकार हो जाता है। मेरा तो वैसे ही हो गया हुआ है। सो अभी मैं दिया जला ली हूँ, आज बृहस्पतिवार था तो मैं अकेले के पेड़ में भी दिया जो है बाहर बालकनी में जला ली हूँ, साथ में मेरा पूजा पाठ जो है हो गया है। अब चलिए किचन में चलते हैं, दूध निकालते हैं। दूध में पहले जो मलाई है उसको निकाल के अलग कर लेते हैं, क्योंकि घी निकालती हूँ तो उसके लिए मलाई निकालती हूँ। और इसके बाद रिशांग के लिए हॉर्लिक्स जो है वो बना देंगे। और आज पता नहीं हस्बैंड का कितना बजेगा, कोई ठीक नहीं है। और थोड़ा हस्बैंड टाइम से आ जाते हैं ना तो सही रहता है कि छोटे वाले बाबू को थोड़ा सा वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे ही देखना पड़ता है, फिर इधर काम करो फिर उधर देखो, तो थोड़ा उस टाइम में ना परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसा बहुत कमी होता है कि वो टाइम से आते हैं नहीं, हमेशा 7, 7:30, 8 ऐसा ना बज ही जाता है। सो देखिए ये सब मैंने ठीक कर लिया है। किचन थोड़ा सा ही फैला लगता है ना तो अजीब सा लगता है। सो हम लोगों को कल जाना है तारापीठ, अचानक से प्रोग्राम बन गया हमारा तारापीठ जाने का। तो अब आप लोग को मैं तारापीठ की 2-3 ब्लॉग तो आ ही जाएगा तारापीठ का, तो आप लोग के साथ में वो भी शेयर करूँगी। कल हम लोग जाने वाले हैं तारापीठ, तो आज ये बृहस्पतिवार है, शुक्रवार के दिन हम लोग तारापीठ निकलेंगे। सो देखिए निशान के लिए मैंने हॉर्लिक्स बना लिया है। और यहाँ पर छोटा वाला बाबू बहुत इस टाइम पर इतना परेशान करने लगता है ना, हद से ज़्यादा इस टाइम पे परेशान करने लगता है, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसको लेके मुझे ना इसी तरीके से घूमना पड़ता है, देख सकते हैं जैसे मैं अभी घूम रही हूँ ना, तो वैसे ही बेल बज गया तो मैं स्कूल चलो बेटा लगता है ना पापा आ गए। तो देखिए तो पतिदेव आ गए थे और उनके आते ही ना ये एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि दिन भर शायद लगता है ना मुझे देखते देखते ना ये बोर हो जाता है, तो लगता ना कि हाँ भाई कोई नया इंसान है उसको उसके साथ खेले, और दिन भर मुझे देखते हैं ना तो ये बोर सा फील हो जाता होगा। रिशांग के साथ भी खेलता है और हस्बैंड रिशांग के लिए चिप्स लाए थे ना, तो वही मैं उसको दे रही थी कि चिप्स खाओगे क्या। इसके बाद मैं सीधे किचन में चली गई थी और चाय बैठा दी थी, और मेरा ना एक फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पे भी बातें कर रही थी साथ में चाय भी बैठा रही थी। और पता क्या होता है दिन में ना, मतलब किसी का फ़ोन आता है ना तो मेरा बात करने का भी मन करता है, मैं बात भी कर लेती हूँ, लेकिन रात के टाइम पर अगर किसी का फ़ोन आता है और बहुत ज़्यादा ना मेरा बात करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, क्योंकि बताइए ना एनर्जी मेरा दिन भर काम करते करते और बच्चे संभालते सोते मेरा एनर्जी ना एकदम लो हो जाता है। रात में मैं ये सोचती हूँ खाना बनाऊँ खाओ बस हो जाओ। पहले मैं एडिटिंग का काम ना सारा रात में ही करती थी, लेकिन अब मैं एडिटिंग का काम भी रात में नहीं करती हूँ, मैं दिन में ही दिन के ही टाइम पे टाइम निकाल के कैसे भी करती हूँ। हालांकि कुछ ऐसी वीडियोस जो इमरजेंसी होता है जैसे कॉल वाइप का कोई वीडियो हो गया तभी मैं मतलब रात को एडिटिंग करती हूँ, टाइम नहीं मिलता दिन भर तब। अभी मैं यहाँ देख रही कि मैं ऐसे बातें कर रही हूँ फ़ोन पर स्पीकर ऑन करके, और यहाँ चाय पतिदेव के लिए बना दी हूँ। और आज मैंने ये वाला कप निकाला है क्योंकि पहले का सारा कप ना टूट गया है, तो मैं ये कप निकाली हूँ। तो चलिए पतिदेव को देती हूँ चाय। और आज का खाना जो है मैं बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ना पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो बोले कि एकदम कम तेल मसाला में कुछ बना दो, तो मैंने कहा ठीक है बैंगन आलू का भरता बना देती हूँ। इसका रेसिपी मैंने बहुत बार शॉर्ट्स में शेयर किया है, इसीलिए अभी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। इसके साथ बना दूँगी एकदम सिंपल सी रोटी, तो मशीन में आटा जो है ना गुथ गया है। और एक बात बताऊँ, बहुत ही बुरी ये मेरा ना बहुत बुरा आदत लग गया हुआ है कि
मशीन में आटा गूंथने का आदत जो हो गया ना, हाथ से ना आटा गूंथने का मन ही नहीं करता। अभी मैं ससुराल गई थी ना, तो रोटी बनाना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक लगता था आटा गूंथने की वजह से। तो मैं ना किसी ना किसी को बोलती थी, सान्या को, कि आटा गूंथ दीजिए, रोटी बना दीजिए ऐसा। तो चलिए अभी मैं मतलब बैगन आलू का भरता जो है वो फ्राई वाला मैंने बना लिया है, और यहाँ पर फटाफट से मैं रोटी सेक के पतिदेव को दे देती हूँ, और इसके बाद आप लोग से मिलती हूँ कल सुबह में। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं सोची थी कल सुबह मैं ज़्यादा देर का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे सुबह सुबह निकलना था ना, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो सुबह में नहीं शूट कर पाई थी। क्योंकि घर के काम के साथ आप बच्चा को संभालिए, फिर पैकिंग कीजिए, मेरा पैकिंग भी नहीं हुआ था, और पैकिंग अकेला का तो है नहीं, चार आदमी का पैकिंग है, तो थोड़ा बहुत सा फिर बच्चे को लेके आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, बच्चे का मेडिसिन हो गया, डाइपर हो गया, ज़रूरी की चीज़ें हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ तो रिशान का मेडिसिन जो है वो कैरी करती हूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ ठीक नहीं रहता है कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जो है सबका लेके ही जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सुबह उठी, उसके बाद मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई, इतना सारा काम था ना कि मैं एकदम से मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ब्लॉग स्टार्ट करके रखा है, तो अभी मैं यहाँ पहले बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेड पूरा ना फैला हुआ था, और कहीं भी जाना इस तरीके से घर फैला रहा था तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी बेड वेड ठीक कर लेती हूँ, और इसी के साथ ना आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी, और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बेड ठीक करके ना मैं वो बाबू का जो खिलौना है ना बेड वाला, वो मैं लगा दूँगी कि तब तक बाबू खेलेगा। अभी मैं बाबू को ना, छोटे वाले बाबू को अभी मैं ना मतलब नीचे रखी हूँ झूले पर, कि पहले मैं इन सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ एक बार अपना बेडरूम, उसके बाद उसको ऊपर रख दूँगी, वो खेलेगा। तब तक मैं फटाफट से खाना पीना जो है वो रेडी कर लूँगी, क्योंकि होता है ना कहीं जाना है, तो मैं तो जल्दी उठ जा गई थी, लेकिन हस्बैंड ना बहुत लेट से उठे थे तो उनको उठाई भी नहीं थी। और ईशांक का आज से स्कूल स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज हमने उसको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में दो तीन दिन ना पढ़ाई उतना होता नहीं है, तो इसी वजह से ईशांक को मंडे से ही भेजेंगे हम लोग, उससे पहले आ भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूबर अंतरा गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू।